गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मम्पी डॉट राहुल। तो आज हम आप लोगों के साथ कोई व्लॉग है पर एक रेसिपी का व्लॉग है। आज हम सोचे कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर किया जाए। तो आज मेरी मम्मी बनाने वाली है कश्मीरी आलू दम। तो हम ये वाला रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बहुत टेस्टी होता है गाइस। तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोग भी बना के घर पे खाओगे तो सच में आप लोग कमेंट प्यारा प्यारा करोगे। तो ज़रूर बना के खाना, देख के तब हमको कमेंट करना कि कैसा लगा आप लोगों को, और रेसिपी देख के ज़रूर कमेंट करना कि आप लोग कैसा लगा और आप लोग कैसे बनाते हो ये रेसिपी को, वो भी मेरे साथ शेयर करना इंस्टाग्राम पर जाके, ताकि हम भी आप लोगों को रेसिपी हम भी बना के टेस्ट कर सके। मेरा इंस्टाग्राम आईडी हो रहा है ये। तो चलो अभी हम आप लोगों को बनाना दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम बनाते हैं। चलो अभी तो अभी हम कढ़ाई में मसाला पीसे मतलब भूंजेंगे और उसके बाद इसको पीसेंगे थोड़ा ठंडा करके। तो इसमें है लाल मरीच, शाही जीरा, लौंग, इलायची, बड़ा इलायची, जायफल, जयत्री, दालचीनी, सादा गुलकी। तो अभी कढ़ाई में तेल गर्म हो गया और प्याज को डाल देंगे सारा, और ये तब तक भूंजेंगे जब तक ऑनियन रेड ना हो जाए, तब तक प्याज को हम लोग भूनते रहेंगे। अभी आलू को मैरिनेट करेंगे, उसके लिए लगेगा दही, आधी लहसुन का पेस्ट और काजू पोस्तो चार मगज का पेस्ट, चार मगज मतलब कोहड़ा का दाना, और ये जो कोटा में है जो हम लोग पहले गोटा मसाला भूनते थे उसका पेस्ट है, बहुत टेस्ट होता है। और ये है मेन मसाला, आप लोग इसको बाज़ार से भी खरीद सकते हो लेकिन घर में बनाओगे तो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी टीका मिलेगा और अच्छा रहेगा। और वो रहा भुंजा हुआ प्याज, ऐसे गोल्डन ब्राउन करके भुंजना है। मैरिनेट करने के लिए दही आलू में डाले हैं अभी हम, और इसमें धीरे धीरे सारा कुछ देंगे, जैसे कि अभी दही दिए, अभी इसमें देंगे आधी लहसुन का पेस्ट। मैरिनेट कर रहे हैं मेरे पापा, क्योंकि पापा अच्छे से मिलाएंगे इसको, क्योंकि हम मेरे से और मम्मी से नहीं होता तो पापा मैरिनेट कर रहे हैं इसको। और अभी हम लोग देंगे इसमें काजू पोस्तो और चार मगज पिसा हुआ, तीनों हम लोग मिक्सी में पीसे हैं। अभी इसमें देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें तीखा नहीं होता है बट कलर आता है तो आप लोग दे सकते हो अच्छे से इसको। तो हम इसमें दिए हैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अभी हम लोग इसमें देंगे प्याज, और पापा प्याज दे रहे हैं और मम्मी नमक दे रहे हैं, तो नमक भी स्वाद अनुसार देंगे और प्याज भी दे देंगे जल्दी से। प्याज को एक बार ऐसे मिला लीजिएगा ताकि देख लीजिएगा कि प्याज मतलब अच्छे से कड़कड़ करके भूंजा है कि नहीं, लेकिन हम लोग का प्याज अच्छे से मतलब कड़कड़ वाला नहीं पिसाया मतलब भूंजाया। और अभी लास्ट बना देंगे हम वो जो गोटा मसाला भूंजे थे उसका पाउडर, घर में जो बनाए थे, थोड़ा ज़्यादा देंगे क्योंकि इसमें ही मेन टेस्ट आता है। अभी इसको मिलाना है और चलो जल्दी से मिला लेते हैं इसको। तो ये हो गया हम लोगों का मैरिनेट, अच्छे से हो गया, और इसको हम लोग फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। अभी कढ़ाई में तेल दिए, जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम कढ़ाई में देंगे दालचीनी और तेजपत्ता 2-4। This could be good for me. Lately I was feeling like I... अब इसमें हल्का रेड सा कलर होगा और बहुत अच्छा खुशबू देगा, तब हम लोग इसको इसमें दे देंगे आलू, जो मैरिनेट किया हुआ आलू था वो। अभी हम इसमें दे देंगे आलू, और आलू देने के बाद हम थोड़ा सा गुंडी पाउडर देंगे, क्योंकि हरा मिर्च पीस के देना था लेकिन हम भूल गए थे, तो कोई बात नहीं हम गुंडी दे देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और ऊपर से मेरा बहन का बेटी कंटिन्यू मम्मी को बुला रही है और मम्मी मन से खाना बना रही थी, देखो इसका हरकत। ये चाह रही है बस सब हमको देखे, ये जब सीढ़ी से चढ़ता है तो हम लोग को बुलाते हैं मम्म मम्म करके, देखो देखो बाय 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 करती कर रही है, क्योंकि उसका कहना कि हम ऊपर जा रहे हैं आप लोग सब चलो मेरे साथ ऊपर, और वो जब भी आती है उसको नीचे से ज़्यादा ऊपर मन लगता है पता नहीं क्यों। तो चलो फिर से आते हैं हम लोग रेसिपी पे। अभी तक मम्मी इसको पूरा कंप्लीट मतलब कम्प्लीटली डाला नहीं है, अभी बस मम्मी इसमें थोड़ा सा देंगे गुंडी पाउडर और इसको कंटिन्यू चलाते रहेगी।
আমাদের বিয়ে না হতো তুমি তো আমাদেরকে দিয়ে রান্না করতে, তুমি তো বসে থাকতে হতো। দিদি কি করেছিল? দিদি আমাকে একদিন বন্ধ করে আশীর্বাদ দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল বলে মা দিদিকে বলতাম আমাকে কেছে না। तो यहाँ पे मेरा सिस्टर मेरा फिरकी ले रही थी और इस टाइम वो भी आई थी। घर में जब भी कुछ अच्छा अच्छा रेसिपी बनेगा ना, मेरा बहन कहीं से भी टपक पड़ेगी। तो अभी तक मम्मी इसमें जो जिसमें मैरिनेट था उसमें थोड़ा पानी देखे, क्योंकि वो मसाला लगा हुआ था उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, इसीलिए उसमें पानी देखे और इसमें डाल दिए। और जो आधी लहसुन और जो पीसे थे काजू बादाम वगैरह उसका भी पानी लेके मम्मी फिर से डाल दी। तो अभी इसको फिर से चलाएंगे और चलाने के बाद जब तक इसमें तेल ना निकले तब तक इसको चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। तो अभी भूनते भूनते इसमें तेल निकल आया है। आप लोग देख सकते हो साइड में कैसे रेड रेड ऑयल टकबक टकबक करके फूट रही थी। तो चलो हम आप लोगों को क्लोज जाके दिखाते हैं। देखो ऐसा ऑयल जब निकल जाए तब सोचना कि आप लोग का आलू फाइनली भून गया है। और इसमें डाल देंगे हम अभी थोड़ा सा पानी। तो इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। अब हो गया 5 मिनट और इस बार दे देंगे हम थोड़ा सा चीनी। चीनी ऑप्शनल नहीं है, चीनी आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा तीता मीठा होता है टाइप का और बहुत टेस्ट होता है गाइस। प्लीज़ एक बार ट्राई करना घर पे और चीनी दे देना। मम्मी 1.5 चम्मच चीनी दी है यहाँ पे। तो जो चम्मच में हम कश्मीरी मिर्च ले रहे थे वही चम्मच का 1.5 चम्मच दी। और यहाँ पे आलू दम हम मेरा फाइनली हो गया और इसके ऊपर गरम मसाला से गार्निश करके कंप्लीट। छोटा सैतान देखो देखो कैसे कर रहा है बदमाशी, मेरे भाई के साथ बदमाशी कर रहा है ये। और पता नहीं ये घर पे आते तो बहुत मन लगता है और इसको ये कोना ही पसंद है। जब भी आती है ये कोना में घुस के बैठ जाती है, पता नहीं कोना में इसको क्या मिलता है। अभी हम लोग जो कश्मीरी आलू दम बनाए हैं उसको उसके साथ हम लोग पूड़ी खाएंगे। ये है मटर छिमली का पूड़ी। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मटर छिमली का पूड़ी। और देखिए इसमें मटर का पूड़ भरा हुआ है पूरा पूड़ी में और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप लोगों को ये भी रेसिपी चाहिए आप लोग ज़रूर बताना, हम आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर करेंगे। और ये देखो अभी पापा से ये प्यार खा रही है। पापा मास्क खोल दी तो पापा को मास्क पहना रही थी अभी। और पापा इसको प्यार से पेस्ट्री खिला रही है, इसको पेस्ट्री बहुत पसंद है। जब भी मेरा पापा घर आते इसके लिए एक पेस्ट्री तो ज़रूर लाते हैं। अभी हमको लग गया भूख और मम्मी से हम मांगे हैं तो मम्मी गरम मसाला को अच्छे से मिला के हमको दे रही है पूरी और सब्जी। उफ हम कब से इंतज़ार कर रहे थे टेस्ट करने का। तो देखो गरम गरम पूरी सब्जी फाइनली मिला।
तो हो गया, ये रहा मेरा रेसिपी। तो आप लोगों को कैसा लगा रेसिपी जान के जरूर बताना, और क्या, हाँ और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग भी घर पे ट्राई करना, और बहुत टेस्टी होता है, हम खाए हैं। और अगर आप लोगों को वो मटर छिमनी का पूरी वाला रेसिपी जानना है वो भी कमेंट करके बताना, और अगर और भी न्यू न्यू रेसिपी जानना भी वो भी बताना। जब हम घर पे फ्री बैठेंगे हम जरूर आप लोगों के साथ ऐसा रेसिपी बना बना के शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों के पास भी अच्छा अच्छा रेसिपी हो, फिर से बोल रहे हैं इंस्टाग्राम में जाओ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, और इंस्टाग्राम में जाके हमें अच्छा अच्छा रेसिपी शेयर करना, क्योंकि हम बहुत फूडी है, खाना पसंद करते हैं, हम भी आप लोगों का रेसिपी बना बना के टेस्ट करके देखेंगे। तो चलो गाइस, अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करके जाना, और ये जो साइड में बेल आइकन रहेगा उसको भी प्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो प्यारा प्यारा कमेंट करना, दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करना, ये तो ये सब मतलब एकदम क्या बोले मतलब याद करके रखना पड़ता है, ये सब बोलना ही हर वीडियो के लास्ट में। तो चलो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।